नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आरपी राजपूत। स्वागत है आपका इंडिया स्पेशल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक देखने को मिली, जब बुधवार को पंजाब के फिरोजपुर जिले के एक फ्लाईओवर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20 मिनट तक रुकना पड़ा। उनसे कुछ ही दूरी पर प्रदर्शनकारी प्रदर्शन कर रहे थे और प्रदर्शन की आड़ में आतंकी प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस दौरान जांच एजेंसियों और सुरक्षा एजेंसियों की सांसें थम गईं कि कहीं प्रधानमंत्री के साथ कुछ अनहोनी ना हो जाए। केंद्रीय गृह मंत्रालय समेत तमाम एक्सपर्ट इसे प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बड़ी चूक मान रहे हैं, लेकिन आप और हमारे मन में कई सवाल अभी भी उठ रहे हैं कि ऐसे हालात में अगर प्रदर्शनकारी किसान प्रधानमंत्री के करीब और आ जाते और इस परिस्थिति का फायदा उठाकर कोई आतंकी या फिर दुश्मन प्रधानमंत्री तक पहुंचने की कोशिश करता तो क्या होता। चिंता मत कीजिए, एसपीजी है ना, ये वही कमांडो हैं जो सूट वूट में काला चश्मा लगाए प्रधानमंत्री को घेरे रहते हैं। जरूरत पड़ने पर ये जवान अपने अत्याधुनिक हथियारों से दुश्मन को पल भर में ढेर कर सकते हैं और प्रधानमंत्री को सुरक्षित वहां से निकाल ले जाते हैं। प्रधानमंत्री और उनके परिजनों की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार इस बेहद खतरनाक कमांडो फोर्स के हथियारों और उपकरणों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक बहुत बड़ी साजिश लग रही है। लोग अब चन्नी और कांग्रेस से सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ, क्या मोदी को जान से मारने की सोची समझी रणनीति बनाई जा रही थी। खैर, प्रदर्शनकारियों की बात करें तो प्रदर्शनकारी तो भूल ही गए कि पीएम मोदी की सुरक्षा में एसपीजी के जवान मौजूद हैं, जो पल भर में ऐसा खेल दिखाते कि लाशें गिनने में महीनों लगते। अगर किसी तरह का आतंकियों की तरफ से हमला होता तो पीएम मोदी तो बच जाते, लेकिन एसपीजी के कमांडो के हाथों आतंकियों का मरना बिल्कुल तय था। इतनी गोली मारी जाती कि आतंकी कंफ्यूज हो जाते कि सांस कहां से लें, और बाकी आप समझ गए होंगे। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी की सुरक्षा में मौजूद एसपीजी के जवान दुनिया के सबसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस होते हैं, और जब भी पीएम मोदी कहीं जाते हैं तो आपने देखा होगा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में मौजूद होते हैं, पीएम मोदी की गाड़ी के आसपास निगरानी करते हैं, और इनके पास दुनिया के सबसे अच्छे हथियारों से लैस होते हैं। कम्युनिकेशन के लिए एयरप्लग, सूट के भीतर बुलेट प्रूफ वेस्ट और FP90 बेल्जियम में बनी सब मशीन गन, कॉम्बैट शूज यानी इनके शूज भी दूसरे शूज के मुताबिक अलग होते हैं, यानी इनके जो शूज हैं वो भी साधारण नहीं होते हैं। इनके जो हाथ में गन होती है FN 2000 असल्ट राइफल मेड इन बेल्जियम, कारतूस का साइज 5.56, रेंज 500 मीटर, मैगजीन 30 राउंड और फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक, फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट। यानी जब एसपीजी के जवान हमला करने के लिए तैयार होते हैं तो सामने वाले का बचना नामुमकिन। फायरिंग रेट 850 राउंड प्रति मिनट, यानी जब पीएम मोदी के काफिले पर कोई हमला करता है तो एसपीजी के जवानों से बचना नामुमकिन, क्योंकि इनके पास इतने एडवांस हथियार हैं जो एक मिनट में 900 राउंड 850 राउंड फायरिंग करती है। इसके अलावा कई अलग एडवांस मशीन गन होती हैं, FN P90 सब मशीन गन जिसका कारतूस साइज 5.7 और रेंज 200 मीटर, मैगजीन 50 राउंड, फायरिंग मोड सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक, फायरिंग रेट 900 राउंड प्रति मिनट। यानी इन एसपीजी के जवानों के पास बहुत ऐसे एडवांस हथियार होते हैं जिनसे जवाब दिया जा सकता है। इसके अलावा बैलिस्टिक शील्ड होती है, यह होल्ड होने वाली बुलेट प्रूफ शील्ड है, गोलीबारी होने पर प्रधानमंत्री के सामने फैला दी जाती है और इसके पीछे रखकर पीएम मोदी को सुरक्षित निकाल लिया जाता है। पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक के बाद हम सबके मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन एसपीजी के जवान थे ना। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद एसपीजी बनाने की शुरुआत हुई थी। प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए साल 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद साल 1985 में एसपीजी बनी, साल 1988 में स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट और 1988 पारित करके इसका औपचारिक गठन किया गया। एसपीजी के जवान और अफसरों पर किसी मीडिया हाउस से संपर्क करने आए या फिर एसपीजी में अपने कार्यकाल पर कोई किताब लिखने की पूरी तरह से पाबंदी होती है। इन दिनों में एसपीजी में 3000 से ज्यादा जवान और अफसर होते हैं। एसपीजी को एक आईपीएस अफसर कमांड करता है जो देश के कैबिनेट सेक्रेटरिएट को रिपोर्ट करता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पंजाब में पीएम मोदी की जान बचाने वाले एसपीजी के कमांडर थे जो अपनी जान पर खेलकर पीएम मोदी को वहां से निकाल लाए। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया स्पेशल के साथ, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बिल्कुल ना भूलें।